नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज डुओ के बारे में, यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कई निवेशक को यहाँ पर फोमो का शिकार बना दिया है, लेकिन फोमो को दूर करने का समय आ गया है क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऑफकोर्स ये स्टॉक भी हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं के बाइंग लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से लेवल पर बाइंग करना शुरू करना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,214 रुपीज, जो कि हमें तकरीबन 4.5% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में तो 1,93,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है 0.3%, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 29.58 है, जबकि बजाज फाइनेंस का 41.88 हमें यहाँ पर दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.09 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश वाली सिचुएशन देखने को मिली थी उसके बाद भी हमें यह स्टॉक नीचे आता हुआ ही नजर आया था। जून के स्टार्टिंग में हमें इसमें तेजी देखने को मिली और उसके बाद ही स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 1,800 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद भारी तेजी देखने को मिली, 3,600-700 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस इसमें हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे करंटली सारे मूविंग एवरेज को इसने तोड़ दिया, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़कर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 65.23, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। वीक कंडीशन बिल्कुल भी यहां दिखाई नहीं देती है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.67। अब देख पाएंगे ओवर द टाइम हमें काफी ज्यादा वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके एमएसडी सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएसडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो क्रॉसओवर यहां पर चलता हुआ नजर आता है, आज ही हमें बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी काफी नीचे चला गया था स्टॉक, तो यहां पर टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला, मीडियन के आसपास गया, लेकिन फिर से हमें ये स्टॉक वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड का लेवल है 3,534 का लेवल, मीडियन है 3,317 का लेवल, लोअर बैंड है 3,100 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3,321 का लेवल, जो कि टूट चुका है। रेजिस्टेंस है 3,636 का लेवल, लेकिन फिलहाल गिरावट हो रही है। तो सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, 2,963 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है, दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 2,648 का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बनाकर दिए, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल ये 20 मंथ्स का जो ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 3,123 के आसपास का लेवल, लेकिन मार्च में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो ये स्टॉक अपने 50 मंथ्स के ईएमए को भी तोड़कर नीचे चला गया था, अपने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो फिलहाल 50 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 2,518 का लेवल। और यहां पर अगर बात करें कैंडल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे जो सितंबर की कैंडल देखने को मिली थी, काफ़ी 3 महीने के बाद हमें पहली बार हमें ये रेड कैंडल देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो अक्टूबर का महीना चलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर भी जो सिचुएशन करंटली दिखाई देती है वो यहाँ पर बियरिश हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें पोजिशंस के बारे में तो अगर आपने ऊपर पोजिशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आपने नीचे पोजिशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ऑलरेडी सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। फ्रेश बाय के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करने से पहले क्या रिस्क है वो भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर लेवल्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है 2,800 से करके 3,000 का लेवल। यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि 2,900 के आसपास इसका पिवट सपोर्ट बनकर आता था और यहां पर पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और वापस समय तेजी भी दिखाई है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 2,400 से करके 2,600 का लेवल। हमने देखा 2,500 के आसपास ही इसका हमें 50 मंथ्स का ईएमए बनकर आता है, पिवट सपोर्ट भी इसी रेंज में दिखाई देता है, तो इस लेवल पर भी ये सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। तो अपने नेचर के हिसाब से किसी एक लेवल को फॉलो करके आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना दोनों लेवल्स पर आप बाय एंड डिप्स करने के बारे में भी सोच सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5,899 रुपीज, जो कि हमें 3.3% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 93,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.08% है। ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करता है, डिविडेंड पे फोकस नहीं करता। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 29.58 दिखाई दे रहा है, और अगर बात करें इसके पी रेशियो के बारे में तो 140.65 दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको स्टैंड अलोन पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बजाज फिनसर्व में इंक्लूड है बजाज फाइनेंस, साथ ही साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, साथ ही साथ बजाज की लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ कामकाज है, तो इसका कंसोलिडेटेड पी रेशियो हमें कंसिडर करना चाहिए। तो 25.11 दिखाई देता है, जो कि हम कह सकते हैं ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडस्ट्री के पी से सस्ता ही दिखाई देता है। अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो आप देख पाएंगे 1.85 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई देता है। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। 10,000 के लेवल से 4,000 तक आता हुआ नजर आया था, लेकिन इसमें भी सेम सिचुएशन देखने को मिली जैसी बजाज फाइनेंस में थी। यहां पर भी जून के स्टार्टिंग के बाद हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 7,000 के लेवल के आसपास पहुंच चुका था, 6,800 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें ऑलरेडी 1,000 रुपीज तक करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे ये स्टॉक भी हमें सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बार बार फेस करना पड़ा है, और अपने 20 डेज के, 50 डेज के और 100 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 55.07। अब देख पाएंगे यहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। ओवरऑल यहां पर हमें न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन दिखाई देती है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 47.35। अब देख पाएंगे ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये ओवरसोल्ड सिचुएशन से ऊपर गया था और फिर से हमें RSI का नंबर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर फिलहाल हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बियरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी काफी नीचे चला गया था स्टॉक, तो यहां पर हमें टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला। अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अपर बैंड का लेवल है 6,164 का लेवल, मीडियन का लेवल है 5,863 का लेवल, लोअर बैंड का लेवल है 5,563 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास। रेजिस्टेंस है 6,400 का लेवल, और अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के सपोर्ट्स के बारे में तो 5,349 का सपोर्ट बनकर आता है, और दूसरा सपोर्ट जो दिखाई देता है वो है 4,847 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट ले लेता है, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल 20 मंथ्स का जो ईएमए है वो एज ए सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, वो हमें एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अब देख पाएंगे काफी समय से यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 50 मंथ्स का ईएमए बनकर आता है वो कैलकुलेट होकर आता है 5,700 का लेवल, और 100 मंथ्स का ईएमए जिसके आसपास स्टॉक ने मार्च की क्रैश में सपोर्ट लिया था वो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 4,199 का लेवल। तो हम पकड़ सकते हैं कि 4,200 का लेवल दिखाई देता है, और यहां पर आप देख पाएंगे पिछले 2 महीनों से जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है काफी ज्यादा बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, और स्पेशली जो हमें अगस्त की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है काफी ज्यादा बियरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे ओपनिंग हुई थी उसके बाद काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन वो तेजी गायब हो गई और ओपनिंग के भी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद की जो कैंडल बनी सितंबर के महीने की वो भी हमें यहाँ पर बियरिश ही बनती हुई नजर आ रही है, और फिलहाल की कैंडल भी बियरिश ही दिखाई दे रही है। हालांकि अक्टूबर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसके ट्रेडिंग सेशन अभी भी बाकी है। तो अब बात करें यहाँ पर इसके पोजिशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजिशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजिशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ये आ चुका है, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाय के बारे, उससे पहले बताना चाहूंगा दोनों ही धमाकेदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहां पर अगर पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट बनकर आता है
5200 से करके 5600 का जो लेवल हमें दिखा देता है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, आप देख पाएंगे इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें वापस तेजी भी दिखाई थी, तो इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है वो यहाँ पर 4600 से करके 5000 का लेवल, इस लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स स्टॉक सच है, यहाँ पर कोई भी घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क होते हैं जब बाइंग करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ऑफकोर्स कामकाज करती हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती है, और यहां पर हमें जो एनपीएस की सिचुएशन देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम फर्दर ऑर्डर्स नहीं देते तब तक आप लोगों को एनपीएस डिक्लेयर करने की यहां पर परमिशन नहीं है। तो ऐसे में जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या कोई भी एनबीएफसी होगी या कोई भी बैंक्स हो गया उसके लिए अच्छी बात नहीं है। भले ही हमें जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि इसके एनपीएस हमें कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एनपीएस डिक्लेयर करने की इन्हें यहाँ पर परमिशन ही नहीं दी गई है। तो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में एनपीएस का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो तब पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रेशर यहाँ पर फेस करना पड़ा है। तो तब तक ये एक रिस्क रहेगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि एनपीएस कितने हुए हैं, यहाँ पर कितना रिस्क कंपनी पर बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, इसका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग दिखा देता है, तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, इन लेवल्स को आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।